अपनी इच्छाओं को मार करके दान होता है। जो इंद्रियों के विषयों का गुलाम है वो दान नहीं कर सकता। अगर उससे कहो मरने के बाद क्या होगा, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, भोगा जाएगा। तुम भगवान की आज्ञा का, वेद की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, वो नहीं समझ सकता, अज्ञानी। कोई हजार उसको समझाने की चेष्टा करे, अरे भाई देखो अभी सब भविष्य की बात तो हम नहीं सोचते, हम तो वर्तमान देखते हैं। हाँ, एक पंडित ने लिख दिया है, गत शोको न कर्तव्य भविष्यम नैव चिंतये। पिछली बात को भुला दो और भविष्य को सोचो मत, बस वर्तमान देखो। यद्यपि संसार में ऐसा कोई करता नहीं है संसारी मामले में, लेकिन भगवान के मामले में आप लोग भी करते हैं ऐसा। एक घंटा टाइम आज आपके पास है, हाँ आज इतवार है, दिन भर खाली है, हाँ तो आज दिन भर भगवत भक्ति कर लो। अरे भाई देखो ये सब हमसे नहीं होगा, आज तो हम सो के उठेंगे 10 बजे और उसके बाद दोस्तों के यहाँ जाएंगे, गप्पे करेंगे, इंजॉयमेंट का दिन है आज, परमानंद प्राप्त करना है आज। जिसको जो लत लगी है, कोई शराब पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, कोई अपने अपने हिसाब से सब इतवार का दिन खराब करते, तो ये लोग क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि भविष्य में नहीं चिंता है, अरे देखा जाएगा जो कुछ होगा, हम तो चार बाग के अनुयायी हैं, भविष्य का चिंतन नहीं करते, वर्तमान का करते हैं। तो ऐसे लोग जो वर्तमान का ही चिंतन करते हैं, वे तो भगवत विषय में या परमार्थिक किसी विषय में भी चले